हेलो दोस्तों, इंडियन रेलवेज हमारे सफर को आरामदायक बनाने में लगा है और हम इंडियन रेलवेज के काम को भी हर बार हमें रोते रहते हैं कि हमें अच्छी ट्रेन्स नहीं मिलती, सुख सुविधाएं नहीं मिलती, ट्रेन में सामान टूटा फूटा रहता है। कभी आपने सोचा है कि वो कौन है जो सब सामान तोड़ता है? हम ही हैं जो रेलवे का नाम खराब करते हैं। एक बहुत फेमस ट्रेन है दोस्तों, मुंबई और मनमड़ के बीच में पंचवटी एक्सप्रेस, जिसे रेलवेज ने कुछ महीने पहले ही अपग्रेड किया था। रेलवेज ने इसे अपग्रेड करके एलएचबी कोचेस दिए थे, जिनका टोटल खर्चा कुछ 38 करोड़ का आया था। आज एक रूटीन चेकअप और इंस्पेक्शन के बाद जो सब चीजें बाहर आई हैं, उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आओ दोस्तों देखते हैं। टोटल दोस्तों 1016 आर्मरेस्ट की अपहोल्स्टरी को डैमेज कर दिया गया है, 536 आर्मरेस्ट को तोड़ दिया गया है, 513 दोस्तों नॉब्स वो चोरी कर दिए गए हैं, 179 मैगजीन होल्डर्स को दोस्तों फाड़ दिया गया है, 86 हैंडल्स जो रिक्लाइनर सीट्स के होते हैं उन्हें तोड़ दिया गया है दोस्तों, 43 वॉशरूम के मग्स गायब है दोस्तों, आर यू सीरियस दोस्तों, 43 मग्स गायब हैं, 25 टेप्स चोरी हो गए हैं, 37 फ्लश वॉल्स दोस्तों चोरी हो गए हैं, 15 मिरर गायब हैं, 17 डस्टबिन्स चोरी हो गए हैं, 27 कर्टन पीसेस दोस्तों चोरी हो गए हैं, और सबसे खराब बात है एक सेंट्रल टेबल होता है इसी कोच में दोस्तों, उसको भी उठा के ले गए, टेबल तक को नहीं छोड़ा। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं रेलवे से, रेलवे आपके लिए क्या करेगा? इतना कुछ रेलवे आपके लिए करता है, उसके ऊपर अगर दोस्तों आप ऐसी चोरी करते हैं, और सब इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है आपके फेयर के ऊपर दोस्तों। आप तो चोरी करके चले जाते हैं, अब रेलवे इस कॉस्ट को कवर करने के लिए टोटल 38 करोड़ का रेलवे ने खर्चा किया था, ये सारा का सारा सामान को प्रोक्योर करने के लिए, न्यू एलएचबी कोचेस देने के लिए, अब पूरे के पूरे को वापस से मेंटेन करने के लिए टोटल 9 लाख का खर्चा है। अब दोस्तों रेलवे तो है गवर्नमेंट का, बट उसको सारे की सारी इनकम हमसे ही होती है, चाहे फ्रेट से हो या फिर पैसेंजर से हो। अब दोस्तों चाहे अगर वो फ्रेट का प्राइस बढ़ाएगा तो हमारे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, अगर वो पैसेंजर्स का फेयर बढ़ाएगा दोस्तों हम फिर रस्ते पे आ जाएंगे कि रेलवे प्राइस बढ़ा रहा है, रेलवे का प्राइस कम कराओ। हम ही हैं दोस्तों जो सब सामान चोरी करते हैं, उसके बाद फिर रेलवे उस कॉस्ट को कवर करने के लिए फिर प्राइस बढ़ाना पड़ता है, और हम चाहते हैं इंडियन रेलवे वर्ल्ड क्लास हो, बट दोस्तों अगर ऐसे आप चोरी करते रहोगे तो कभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकता है दोस्तों। अगली बार आप कभी रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने आसपास जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कोई बंदा आपको ऐसा कुछ करते हुए मिले उसकी जरूर रिपोर्ट करिएगा। हम चाहते हैं कि ये रेलवे ट्रैवल सबके लिए बहुत आरामदायक हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो हमारे साथ जाने वाले हमारे ही घर वाले हों, या किसी और के भी हो, या किसी और के फैमिलीज हो, तो हमें उन कल्प्रिट्स को पकड़ने में रेलवे की हेल्प करनी है और आरपीएफ की हेल्प करनी है। थैंक यू दोस्तों।